नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वाद का वरदान में दोस्तों गहने चाहे शरीर के किसी भी हिस्से पर पहने जाएं थोड़े ही दिनों में काले पड़ने लगते हैं बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो गहने हम हाथों में पहनते हैं गले पे पहनते हैं वो इजीली हम उतार भी पाते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम साफ भी कर पाते हैं और वहीं दूसरी जगह जो गहने हम पैरों में पहनते हैं जैसे कि पजेब चुटकी इन्हें उतारना आ... थोड़ा सा आलस वाला काम है और साफ भी हम इन्हें काफ़ी दिनों बाद करते हैं क्योंकि इन्हें उतारना सुखाना, फिर पहनना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही तो इसलिए हम आलस कर जाते हैं और जिन लोगों के पैर मेरी तरह पतले हैं यानी कि धागे से उन्हें पज़ेब अपने नाप की करनी पड़ती है फिर पहननी पड़ती है तो उनके लिए तो ये काम और भी मुश्किल है तो मैंने सोचा कोई ऐसी ट्रिक अपनाते हैं कि पैर भी साफ़ हो जाए और पज़ेब और चुटकी भी चमक जाए तो उसके लिए मैंने क्या किया केले का छिलका ले लिया केले के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे जो है ना मैल करता है और बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है तो केले का छिलका लेकर के पाँच से सात मिनट तक हल्के हाथों से पूरे पैर को रब कर लेंगे और साथ में जो हमारे चांदी के गहने हैं ना उसके आसपास भी चारों तरफ अच्छे से इसे थोड़ी देर तक रगड़ लेंगे और केले को बिल्कुल सिंपली यूज़ करना है कोई नमक नींबू मीठा सोडा या सरफ़ इस तरह की चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी ट्रिक है जब आप अपने पैरों पे इसे यूज़ करेंगे ना तब फर्क महसूस करेंगे तो मेरी सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करना इस ट्रिक को पहले फॉलो करना और उसके बाद रिजल्ट देखना केले के छिलके को आप चुटकियों पर पजे पर और पैरों पे जहाँ कहीं भी कालापन नजर आता है वहाँ पर अच्छे से रब कर लें चांदी की चीजें चमकाने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है आप इसे बर्तनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं बस तीन से चार मिनट आपको रगड़ना है और उसके बाद कुछ सेकंड्स स्पैरो को छोड़ देंगे तो छिलकों का काम हुआ खत्म अब बारी आती है कोलगेट की जो हर घर में होती है और दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोलगेट की जगह यदि हम कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे वो इसमें असर कर देगी तो जी नहीं सिर्फ कोलगेट के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके टच में आते के साथ ही चांदी का मैल फूल करके कटने लगता है और चांदी के गहनों के साथ ही ये हमारे आज पैरों को भी चमकाएगा और बीच बीच में यदि आपको लगे ना कि कोलगेट सूखने लगा है तो कुछ बूंदें पानी की या तो पैरों पर डाल लें या फिर ब्रश को पानी में डुबो लें लेकिन ज़्यादा पानी मत डालना और ये देखिए नखून भी जिनकी सफाई हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है इस बहाने उन्हें भी आप अच्छे से ब्रश कर सकते हैं तो सही मायने में ये हमारे चांदी के गहनों के साथ साथ पेरिक्योर भी हो रहा है यानी एक तीर से दो शिकार हम कर पा रहे हैं तो दोस्तों सौ तीन से चार मिनट हमने केले के छिलके से पैरों को रब किया था और तीन से चार मिनट ही हमें कोलगेट से पैरों को अच्छे से रगड़ लेना है तो उसके बाद हम इसे धो लेते हैं और धोने के बाद फिर मिलते हैं तो फाइनली हमारे पैर धुल चुके हैं तो ये देखिए पैर को मैंने ट्यूबल से भी साफ़ कर लिया है और पजेब आप देख सकते हैं एकदम से चमक गई ना और ये देखिए मेहनत भी नहीं लगी है कोई सरफ भी हमने नहीं लगाया और ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात पजेब को उतारना नहीं पड़ा और भाई पजेब पजेब नहीं चुटकी को भी देखो कैसे चमचम -चम कर रही है ऐसी लग रही है ना जैसे नई चुटकियाँ अभी मार्केट से लाए हैं और हमने पहनी है तो भाई मेरे तो दोनों काम आसान हो गए एक तो मेरे चांदी के गहने चमक गए और दूसरा आप पैर भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आप फ़र्क खुद महसूस कर सकें अच्छे से देख सकें इसलिए मैंने दूसरे पैर वाली पजेब नहीं धोई थी मैं उसे और इसे दोनों को आपको एक साथ दिखाती हूँ तो ध्यान से देखेगा फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा तो ये जो लेफ़्ट वाला पैर है मेरा उस पर पजेब है वो वाली जो मैंने साफ़ नहीं की है तो इसमें और उसमें फ़र्क देखिए देखिए लग रही है ना कितनी ज़्यादा काली बिल्कुल मैली मैली सी और वहीं पे राइट वाला पैर उसे आप देख सकते हैं पजेब कैसे चमक रही है तो दोस्तों ये पैरों की वीडियो है ना मुझे इसे रिकॉर्ड करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कैमरा कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है लेकिन मैंने मेहनत करके स्पेशली आपके लिए और उन लोगों के लिए जिनके पैर पतले हैं जिन्हें पजेब निकाल करके साफ करने में बहुत आलस आता है प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए बनाई है और सभी के लिए बहुत यूज़फुल है तो इसे ज़रूर देखेगा और पूरा देखेगा और अब की बार जब भी आपको चांदी के गहने साफ़ करने हो ना तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी तो दोस्तों मैं लाती रहती हूँ इस तरह की जुगाड़ू ट्रिक जिन्हें फॉलो करके काम तो आसान होता ही है साथ में काफ़ी सारा पैसा भी बच जाता है और रिजल्ट्स मिलते हैं एकदम अमेजिंग और अगर आप चाहते हैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोस में आगे और भी लाती रहूँ तो बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पजेब को बिना काटे बिना एक भी रुपया खर्च करे घर खर पे कैसे छोटा किया जाता है यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें तो जमकर मनाएं दीपावली खूब सारी खुशियों के साथ मैं रहती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक, तक के लिए ध्यान रखिए अपना